नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल। दी गई आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। मेरे पास एक आकृति दी है, चित्र दिया हुआ है, और जिसको देखकर मुझे tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये मेरे पास चित्र बना हुआ है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग त्रिकोणमिति सीख रहे हैं, आप लोगों को त्रिकोणमिति अगर पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को पता है इसमें जब भी कोई त्रिभुज बनता है वो हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो मेरे पास ये त्रिभुज जो दिया हुआ है ये भी समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हमारे पास जो कोण बना हुआ है ये हमारा कितना है, 90 अंश है, इसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जो हमारा 90 अंश होता है इसके जस्ट जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। बच्चों क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाती है। और जिस पर ये 90 अंश बना होता है वो भुजा लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, लंब कहलाती है। तो कर्ण हमारा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और जो लंब हो जाएगा वो 12 सेंटीमीटर है। मुझे बच्चों इस चित्र में क्या निकालना है, आधार निकालना है। त्रिभुज में हमेशा तीन भुजाएं होती हैं, अगर दो भुजाएं पता हैं तो तीसरी भुजा को हम आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, तो सबसे पहले इस आकृति में जो दिया है पहले तो मुझे उसको लिख लेना है। क्या दिया है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर है, लिख लिया। इसके बाद इसमें लंब दिया है, ये हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब दिया है और कर्ण दिया है, मुझे आधार निकालना है। तो आधार का एक फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, मुझे आधार निकालना है इसलिए मुझे लिखना है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान मुझे यहाँ पुट कर देना है, कर्ण के जगह पर क्या कर देंगे 13 कर देंगे, और जहाँ मान लंब दिया है उसके जगह पर 12 कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से कहेंगे 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। जहाँ कर्ण ये दिया हुआ है, कर्ण का मान कितना बच्चों है 13 है, तो कर्ण के जगह पर मैंने 13 रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस लगाया तो माइनस लगाएंगे, लंब का मान 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर रख दिया, स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर इसमें लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो होता कितना है बच्चों, 13 का स्क्वायर होता कितना है आपको पता है, किसी भी संख्या के ऊपर जब स्क्वायर लगा होता है, या हमेशा ये चीज़ याद रखना, 13 के ऊपर स्क्वायर लगा इसका मतलब ये होता है 13 को हम दो बार लिखेंगे। जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा है इसका मतलब इसे दो बार लिखना है, अगर तीन बार होता तो यहाँ तीन बार इसे लिख। अब 13 की 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो हमें लिख लेना, 13 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा 169, जबकि 12 का 12 से गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे आधार स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 169 में से ये हमारा 169 है माइनस लगा और 144, मतलब 169 में से 144 घटा देना, तो बच्चों कितने बचते हैं 25 बचते हैं, तो आधार स्क्वायर का मान 25 आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों 25, लेकिन मुझे आधार स्क्वायर का मान नहीं निकालना, मुझे आधार का मान निकालना। तब इधर से जब कभी भी यहाँ स्क्वायर लगाया, जब इधर से हम स्क्वायर को हटाते हैं, क्या है बच्चों, जब यहाँ स्क्वायर लगाया, जैसे ही यहाँ स्क्वायर को हटाया जाता है तो जो बराबर में वो अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर में जो संख्या होगी ऊपर अंडर रूट चढ़ जाता है। अंडर रूट का मतलब क्या होगा, वर्गमूल निकालना। तो 25 का वर्गमूल आप लोगों को पता है, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं है, जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, और 25 का जो अंडर रूट होगा मतलब वर्गमूल होता है बच्चों, वो कितना होता है, वो हमारा 5 होता है। तो आधार हमारा बच्चों कितना आ गया, ये हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। तो आधार के जगह पर हम क्या कर देंगे, 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, tan p और cot r को हम अलग अलग निकाल लेंगे, पहले हम tan p को निकालेंगे। तो मुझे tan बराबर फार्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखना, जो tan अगर है, यहाँ p और d और c इससे कोई मतलब नहीं, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, ये फार्मूला होता है। ये p से मतलब मुझे अभी नहीं है, tan कहीं भी लिखा है तो उसके जगह पर फार्मूला हमेशा लंब बटे आधार ही लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आता है यहाँ tan p लिखा है, तो यहाँ पी ए है, तो कोण के सामने वाली भुजा बच्चों क्या हो जाएगी, अब ये लंब हो जाएगी। अगर कोण यहाँ पी है
तो कोण हमारा है पी, इसके जस्ट सामने भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा है, मतलब क्यू आर भुजा है। अगर कोण कहीं दिया है तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब हो जाएगी, और जो लंब थी वो क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं, जो कर्ण था पहले सेम वही रहेगा, जो हमने समकोण त्रिभुज में बताया है कर्ण ये था तो कर्ण वही रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोण बदल दिया, यहाँ पर पहले कोण कौन सा था, आर था, तो हमारा लंब ये हो जाएगा, लेकिन अब की कोण कौन सा, पी, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, ये आधार। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तो लंब के जगह पर बच्चों कितना कर देंगे, लंब के जगह पर रख देंगे 5/2 आधार कौन से, जो हमारा जब ये लंब हो जाएगी, ये भुजा बच्चों क्या हो जाएगी, लंब, तो ये वाली भुजा बच्चों क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ठीक है, तो आधार के जगह पर हमें क्या कर देना है, 12 रख देंगे। ठीक है, तो टेन पी का मान 12/5 आ जाएगा। अब मुझे बच्चों निकालना है कॉट आर, क्या निकालना है बच्चों, मुझे निकालना है कॉट आर। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे। लेकिन यहाँ पर कोण दिया कितना बच्चों, यहाँ पर कोण दिया है आर, तो भैया कोण ये है तो लंब हमारी ये हो जाएगी, पहले तो कोण ये था तो लंब हमारी ये 5 सेंटीमीटर हो गई, अब की कोण आर दिया तो कोण के सामने भुजा जो पड़ेगी वही लंब हो जाएगी। ठीक है, तो कॉट जो आर है इसके सामने भुजा हमारा ए हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। तो ये हमारा कॉट का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, तो आधार के जगह पर बच्चों कितना कर देना है, अब आधार इसमें 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और लंब बच्चों ये वाला, क्योंकि कोण के इस कोण आर के सामने जो भुजा कौन सी, ये वाली है, क्यू या पी क्यू है, तो इसके जगह पर हमें 12 रख देना है। टेन पी का मान निकाल दिया, कॉट और का मान निकाल दिया, अब मुझे करना क्या है, टेन पी और कॉट और का मान निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे टेन पी माइनस कॉट और, अब टेन पी के जगह पर मुझे क्या कर देना है, 12/5 कर देंगे, कॉट पी का भी, कॉट आर का मान भी 12/5 दिया, रख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, 5/12 में से 5/12 को हम घटा देंगे, तो भैया 5/12 में से 5/12 घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब कितना बचने वाला है, 0। तो टेन पी और कॉट आर का जो मान आएगा बच्चों कितना आएगा, 0 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।